और इतना प्राइस कम होने का मतलब पीछे रीजन क्या है? घर पर काम करने से तो पता नहीं चलता है क्योंकि बाहर काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे मतलब रेंट बच जाता है, लेबर का बच जाता है, इलेक्ट्रिक बच जाता है, और के लिए हम ही लोग करते हैं। एक कॉर्न सैंडविच था और एक कॉर्न पिज्जा था। कब से आप यहाँ से ले रहे हैं फूड? लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। प्राइस इतना कम मतलब अच्छा लगता है? प्राइस भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। बस सो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप भी सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में, और आज मैं जाने वाला हूँ गाइस रायपुर का एक होममेड पिज्जा नाम से एक रेस्टोरेंट है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे दोस्त ने सजेशन दिया है कि वहाँ जाओ, होममेड मतलब घर जैसा माहौल बनाया गया है वहाँ, और प्राइस भी बहुत चीप है। तो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ विजिट कर रहा हूँ, तो चलिए फटाफट मिलते हैं आप लोगों से अपने लोकेशन पर जाके, वहीं ट्राई करते हैं वहाँ का पिज्जा सैंडविच। प्राइस कम है फिर सबको बता दूँ, बट वहाँ जाने के बाद ही एक्चुअल पता लगने वाला है। चलिए फटाफट आप लोगों से मैं वहीं रूबरू होता हूँ। तो गाइस आप लोग पीछे देख सकते हो, ये आपका गोल्डन मार्बल, और यहीं से आपको मिलेगा राइट करने के लिए, जस्ट बाजू में ही रोड लगा हुआ है, तो आप लोगों को सिंपली इस रोड में अंदर आ जाना है। लोकेशन है ना गोल्डन का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल देखो ये है आपका एग्जैक्ट लोकेशन, वैसे यहाँ बोर्ड नहीं लगाया गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखो, इधर आप लोग प्राइस देख सकते हो, 60 है पिज्ज़ा का, चीज़ पिज्ज़ा है, टोमेटो पिज्ज़ा है, ऑनियन कैप्सिकम, बहुत सारे पिज्ज़ा है, 10 प्रकार का तो पिज्ज़ा है। इधर गए आप लोग को मैगी भी देखने को मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 30, 35, 40, और इधर भी कौन देखो सैंडविच भी है, 15 रुपये में सैंडविच, इज इट पॉसिबल? इसको एक और लगवा रहे हैं चॉकलेट वाला, कैसा है? अभी तो मैंने वेज ट्राई किया था 25 वाला, मैंने घर के लिए ऑर्डर किया है जो कि है आपका पनीर पिज्ज़ा 75 वाला, ये वाला। तो फटाफट ऑर्डर करते हैं और आप लोग को रिव्यू बताते हैं। बैठने के लिए बताऊंगा, तो देखो घर का जैसे माहौल होता है ना, ऐसा है सेम, कुछ सोफ़ा देखने को मिलेगा, और बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं जो ग्रुप में आते हैं, वहीं यहाँ ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अभी अच्छा है कि खाली मिला है, वरना कभी भी यहाँ लड़के लोग आते हैं ग्रुप में, दोस्त में, और भीड़ हो जाता है। लोकेशन का यहाँ दिया हुआ है स्ट्रीट नंबर 1 बिहाइंड गोल्डन मार्बल, और फ़ोन नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो आप लोग अगर आने में परेशानी हो रही हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताने कि ऐसा रेस्टोरेंट कहाँ देखो, एकदम घर जैसा, ऐसा लग रहा है कि मैं घर में अपने बैठा हूँ। तो वॉल पे पेंटिंग है, फैन, और रूम एकदम खाली है, मतलब अंदर फूड बन रहा होगा, बन के आएगा हमारे पास। राजू बाजू का सीन आप लोगों को दिखाया था, मस्त देखो सोफा है। अगर आपको शांति एरिया में जाके खाना खाना हो, स्नैक्स लेने हो, ऐसा मतलब खाना खाना हो, सैंडविच, बर्गर, पिज्ज़ा और मैगी वैगी, तो यहाँ प्लीज़ विजिट करना, मज़ा आएगा आप लोगों के लिए। मतलब एकदम शांत है, रोड किनारे में है, कोई भीड़ नहीं है, आराम से आओ, बैठो, फूड को इंजॉय करो, उसके बाद एक लाइक भी करो इस वीडियो को। सो गाइस जी आप लोग एकदम घर जैसा फील देगा। मुंह पोछ लेता हूँ, उसका बिहाइंड द सीन दिखा रहा हूँ गाइस, कि आप लोगों को बिहाइंड द सीन कैसे बनाया जाता है इस रूम में। मैम ओके, तो गाइस जी हमारा चॉकलेट सैंडविच तैयार होने जा रहा है, और ये मैम क्या डाली, चॉकलेट है, चॉकलेट सॉस है ये। ओके, और इसके ऊपर क्या क्या जाएगा? और बस चॉकलेट, चॉकलेट रहेगा, क्योंकि रेट के हिसाब से। ये गाइस आप लोग बता दूँ, सिर्फ 15 रुपए का चॉकलेट सैंडविच है, जो कि रायपुर मैंने पहली बार सुना था, तो देखते इसको ट्राई करके कैसा लगेगा। फिलहाल रेडी हो रहा है, कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? 5 मिनट। ओके सर गाइस, ऐसा है घर का किचन, प्लीज़ विजिट करना, एकदम आपको घर का माहौल लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा खुद के घर में आए हो। ये चीज़ पिज्ज़ा है, चीज़ सभी पिज़्ज़ा में डलता है। अच्छा, ऐसा कुछ हो रही है विदाउट चीज़ या कुछ भी, मतलब वो बेसिक है, सब में जाएगा ही जाएगा। और ये अमूल का चीज़ रहता है, अमूल का चीज़। वाह, तो ये चीज़ भी देखो, तो ये भी ब्रांडेड है अमूल का। कोई भी चीज़ में आप लोग ये मत सोचना कि पैसा कम है तो क्वालिटी लो होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप लोग कोई भी सामान चेक कर सकते हैं। ओके और ये गया पिज्ज़ा आपका ओवन में गया, और 5-10 मिनट जो भी इसका टाइमिंग है उसके बाद रेडी होकर बाहर आएगा। इसके मटेरियल पहले से रेडी करके रखती होंगी? हाँ, जैसे क्या क्या बनने वाले, बेस पहले से रेडी करके रखते हैं, फिर जैसे जो आता है उस हिसाब से पनीर, कॉर्न, मैक्सिकन। Few moments later. तो गाइस विद इन 10 मिनट्स मेरा 15 वाला ये देखो आपका सैंडविच रेडी है, चॉकलेट सैंडविच, और ये हमारा पिज्जा जो कि 75 का है, पनीर पिज्जा है, 6 इंच ना। सो गाइस 6 इंच का 75 में मिला है, अगर इसी को आप रायपुर के किसी भी दूसरे रेस्टोरेंट से लेना है तो एटलीस्ट 130 के एवर मिल जाएगा, बट मेरे को देखो यहाँ, और लाइव बना है, कोई आपके मतलब वो नहीं है, सामने बनेगा,
और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो आपको हानिकारक हो, है ना, हाइजीनिक सहित है। और घर में बंद है तो आपको पता ही होगा। तो मैम से कुछ पूछते हैं, दो चार क्वेश्चन। सो मैम, रेस्टोरेंट के बारे में, ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है? मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग रेगुलर, संडे को भी रहता है। और इतना प्राइस कम होने का मतलब पीछे रीजन क्या है? घर पर काम करने से इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि बाहर काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे मतलब रेंट बच जाता है, लेबर का बच जाता है, इलेक्ट्रिक बच जाता है, और अकेले हम ही लोग करते हैं, कोई ऐसे बाहर के लेबर नहीं करते। और कितने आइटम है मैम आपके पास पिज्जा में? पिज्जा है, सैंडविच है और बर्गर है, उसमें सारी वैरायटी है, सारी वैरायटी आपको मिल जाएगा जी। पार्सल के लिए मतलब सुविधा नहीं है, आके ही लेना पड़ेगा? डिलीवरी नहीं है, टेक अवे ही है। ओके ओके। सो गाइस, ऐसा है कुछ सिचुएशन। और बेस्ट में आपका कौन सा, इसमें मतलब जिनको आप चाहेंगे कि आने के बाद आप लोग ट्राई करें, आपका बेस्ट इसमें मतलब कौन सा आइटम है? सब तो बेस्ट ही है, कोई स्पेशल आपके तरफ नहीं से? नहीं, स्पेशल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब स्पेशल ही आपके हैं। सभी एक, क्योंकि छोटे बच्चे चॉकलेट प्रेफर करते हैं, बाकी लोग अपने हिसाब से जो स्पाइसी है वो स्पाइसी चीजें पसंद करते हैं, इसे ऑलराउंड सभी चलते हैं। तो यहाँ आने के लिए मतलब कौन से लोग आते हैं ज्यादातर, जो मतलब फ्रेंडशिप होती है सर्कल, कॉलेज वाले भी? हाँ, लोग आते कॉलेज के बच्चे ज्यादा रहते हैं। ओके। और अभी तो कुछ सालों से फैमिली वाले भी आना शुरू कर दिए हैं। और कितने सालों से मैम चल रही है? 10 साल हो गया। हाँ। अकेले संभाल रही है? हाँ। ओके, बच्चे हैं साथ में, हस्बैंड है, ओके ओके, वो भी कराते हैं। थैंक यू। सो गाइज, ऐसा था कुछ मैम से छोटा सोचा आप लोगों से दो चार सवाल रूबरू कराऊं, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए। तो मैम अकेले रेस्टोरेंट चलाती है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप सोच सकते हो मतलब करेज कितने है कि अकेले मतलब इतने सारे लोगों को हैंडल करना प्लस 10 साल से। और लिटरली मुझे पता नहीं था, जैसे मुझे पता चला मैं दौरा भागा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। रायपुर से हो तो प्लीज़ विजिट करना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज। सैंडविच है चॉकलेट सैंडविच, सिर्फ 15 रुपये में, 15 रुपये में आजकल मेरे ख्याल से गुपचुप भी खाने जाओगे तो 5 से 7 पीस देगा। और यहाँ आप लोग बताऊँ 15 रुपये में मेरा सैंडविच रेडी है, चॉकलेट सैंडविच। और देख सकते हो साइज़, भले कैमरे में आप लोग थोड़ा सा छोटा दिखे, और इसके अंदर देखो पूरा चॉकलेट भरा हुआ है। और इधर आपको सॉस रखा मिल जाएगा साथ ही साथ, जो भी इसके साथ ऊपर से आप लेना चाहें तो आइटम अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो फटाफट मैं थोड़ा सा सॉस लेता हूँ और उसके बाद आप लोग लाइव टेस्ट बता रहा हूँ। बाई द वे गाइस, मैं जो पिज्ज़ा बनवाया था ना उसको पार्सल के लिए बनवाया है, ताकि उसको घर में खाऊंगा। यहाँ तो 2 बार मैं सैंडविच खा रहा हूँ, एक बार अभी जस्ट खाया था थोड़ी देर पहले। बढ़िया है गुरु, गर्म है, मस्त है, 5 से 7 मिनट लगेगा बनाने में, लाइव मैम बना के देती हैं। तो गाइस अभी एक भैया हैं, अभी आपका क्या पार्सल था? एक कॉर्न सैंडविच था और एक कॉर्न पिज्ज़ा था। कब से आप यहाँ से ले रहे हैं फूड? लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। प्राइस इतना कम मतलब अच्छा लगता है? प्राइस टेस्ट भी कैसा लगता है? प्राइस भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छा लगता है। हाँ बस। सो गाइस अभी आप लोग राइट के पास में भी पड़ जाता है, और कॉन्टेक्ट नंबर देके मतलब अपन इनको ऑर्डर दे सकते हैं। बस अच्छा, ये भी फैसिलिटी है। हाँ। मतलब आपको आने से पर लेट ना होकर के पहले ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं तो 10 मिनट पहले अपन ऑर्डर देके। अच्छा अच्छा, ये कर सकते। अच्छा लगता है फूड, जबरदस्त जी। तो क्या ये भैया आए थे, इन लाइव आपको रूबरू कराया, ये 2 साल से भैया फूड खा रहे हैं यहाँ का, तो मतलब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। भैया का फूड दिखाता हूँ, ये देखो क्या क्या है इसमें, पिज्जा और सैंडविच। पिज्जा और सैंडविच तो ऐसा जाता है कुछ जबड़ी भैया का, ये रहा आपका पिज्जा। थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, और मेरे जैसे एक और दीदी आई हैं, उनसे पूछते हैं। और दीदी आपको ये मतलब फर्स्ट टाइम है कि आप 2-3 बार आ चुकी हैं? नहीं नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ रेस्टोरेंट है? मेरा एक फ्रेंड बताया था कि यहाँ मतलब चलता है, यहाँ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, और वहाँ इतने सस्ते में पिज्जा सस्ते मिलता है ना। हाँ, वही सोच के मिलता है, तो हम लोग एक बार ट्राई करने के लिए मतलब सोचे कि आए हैं। वो भी इतना ढूंढते आए हैं कि पूछिए मत, बोर्ड नहीं लगा है ना, इसलिए बोर्ड नहीं लगा है इस कारण। सो गाइस, इसका जो गूगल मैप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। और दीदी खैर खा के बताएंगे रिव्यू, तो अभी चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, कमेंट दीदी कीजिएगा, है ना, टेस्ट कैसा लगा। फिलहाल मुझे जाना है घर, तो आप लोगों से मिलता होगा घर जाने के बाद गाइस। और ये रहा आपका पिज्जा, कितना अभी भी गर्म है ना। तो आप लोग को एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, ये देख रहे हो ना, ये प्लेन बॉक्स है, इस पर किसी ब्रांड का लोगो लग जाता ना तो भाई इसी का रेट 150-140 से ऊपर होता है, लेकिन किसी ब्रांड का लोगो नहीं है, तो ओनली 75 का है। और आपको थोड़ा सा उजाला में दिखाता हूँ कि उजाला में कैसा दिखता है अंदर, एक्चुअली लाइट कम है। तो चलो भाई, इसको उठाए खाओ, बताओ टेस्ट कैसा है, एक मैं भी खाता हूँ। ओहो भाई,
बिस्कुट डाल चीज मस्त है ज़्यादा गरम गरम एकदम देख रहे हो भाई। तो इसको बाहर ही खाते हैं। पनीर पिज्जा है 175। चीज क्या भर के डाला है, चीज भर के डाला है ना, चीज की कमी नहीं किया है। खाक में कैसा है, कैसा है? बढ़िया है। कितने रुपए का होगा बता? महंगा का होगा, महंगा होगा ना। बच्चे लोगों को लग रहा है महंगा, लेकिन है आप लोगों को पता है 75 का है। ये मॉल से लेते ना ये ज्यादा ही महंगा मिलता है। तो बस वो टेबल पे लेके जाके रखते हैं, अंदर खाते हैं, बाहर आप लोगों को दिखाने के लिए खा रहा था ताकि लाइट में ज्यादा अच्छा दिखे। हाँ जी गाइस, तो पिज्जा मैंने अभी खा लिया है और अभी आप लोगों को जेन्युइन रिव्यू होता है ना, जो दिल से आता है इधर से, वो आप लोगों को दे रहा हूँ। 75 में ये जो पिज्जा खाया जबरदस्त। बस इस पे किसी ब्रांड का लोगो होता ना तो यही पिज्जा कम से कम 140-150 तक जाता ही। मतलब इतना चीज़ भरा था, इतना उसमें पनीर भरा था ना, मज़ा आ गया। पूरा खाया नहीं गया, रख दिया हूँ, बाद में खा लेंगे उसको। और 15 रुपये में आपको चॉकलेटी सैंडविच खाया था, मज़ा आया था। 25 में वेज सैंडविच खाया था, वो तो दो दो खाया था मैं। तो आज मैं बताऊँ तो बाहर का फूड उतना खाता तो नहीं हूँ, लेकिन इस रेस्टोरेंट का आदत मुझे ऐसा लग रहा है कि लग जाएगा, मैं बार बार वहाँ जाऊँगा, आप लोग को अपडेट करते रहूँगा। तो आप लोग अगर रायपुर से हो और खाना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ विजिट करना। गूगल मैप का लिंक दिया हूँ, क्योंकि वहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ है। बोर्ड पर लगा हुआ था रेस्टोरेंट का, लेकिन अभी उसे पेंट हो गया है तो बराबर हो गया, बोर्ड वहाँ नहीं है। तो वहाँ जाके आप लोग बात कर सकते हो, नंबर दे दिया, दिखा दिया हूँ, तो उस पर कॉल भी कर सकते हो। प्राइस आप लोगों को बता दिया, बेहद ही चीप प्राइस है और सबसे बेस्ट वहाँ का मिल रहा है। मतलब एकदम घर जैसा किचन भी आप लोगों को दिखाई, जैसे घर में खाना बनते हैं ना, जैसे कि लेडीज़ लोग बनाती हैं अपना घर का खाना, घर की औरत जो भी होती हैं, सेम वही सिचुएशन है। आपके सामने बनाया जाएगा, आपको परोसा जाएगा, गरम गरम मज़ा आएगा। तो बस गाइस, फिलहाल वीडियो में इतना ही। इस व्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रायपुर में जो भी चीज़ अच्छी है वो लोगों तक पहुँचे और लोग उसका लाभ उठाएँ। तो बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।